हाँ जी सर, हाँ, मैंने कहा अभी जो हम एक उदाहरण लेने जा रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा है। हम हाँ जी विचारों को समझे समझ रहे हैं, ठीक है, जी और आप भी समझना कि जैसे एक बच्चा है, जब वो हाँ छोटा है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिनों के हिसाब से है, फिर वो महीनों में आता है, ठीक है, जी उसके पास कोई आवाज नहीं होती है, वो जी बोलता नहीं है। क्यों नहीं बोल पाता वो? क्योंकि वो बोलना सीखा ही नहीं है अभी। बोलना सीखा नहीं है, या उसके पास शब्द नहीं है, उसके पास विचार नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं हाँ, है। कुछ ये सारा भी नहीं। विचार कैसे बन रहा है, अब हम उसको जान जान रहे हैं, ठीक है। अब जी आपका बच्चा है, आप क्या करोगे? ये आपकी मम्मी है, ये आपके पापा है, ये मतलब हम अपने जो रिश्तेदार हैं, भाई बंधु, उसके बारे में उसको जानकारी देते हैं अच्छे से, समझाते जी हाँ हैं उसको अच्छे से, जैसे जी जैसे बड़ा हो रहा है उसको हर एक जानकारी दे रहे हैं हम, जी वो उसकी आवाज बन रही है। बन रही है कि नहीं? हाँ, बाद बन में रही है। जो हमने उसके अंदर ये डाला कि ये मम्मी है, तो वो क्या बोलता है बाहर फिर से? मम्मी। मम्मी आपने उसको सिखाया ये पापा, वो क्या बोलेगा? पापा ये उसके विचार नहीं बन रहे हैं पापा के प्रति, मम्मी के प्रति, चीजों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, व्यक्ति के प्रति। जी और हम ही उसको अच्छा और बुरा नहीं सिखा रहे हैं, जी हाँ बताइए, सिखा रहे हैं या नहीं सिखा रहे? जी हाँ सिखा रहे हैं। आप उसको ये बोलते हो, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, सब हो रहा है या नहीं हो रहा? जी हो रहा है तो जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, तो उसके अंदर एक आवाज बन रही है। एक और जी। एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम इस एग्जाम्पल को आगे बढ़ाएंगे। आपने वो मोटर देखी है, वो पानी वाली, हाँ देखिए। जिस वो खेतों में पानी लगाते हैं, जो हाँ जब वो बंद होती है, तो उसमें हम आवाज लगाएंगे हेलो की, क्या जी बोलेंगे? हेलो। हेलो। रिप्लाई में क्या आएगा, बताइए? रिप्लाई में बस पड़गा पड़ेगा उसका, हेलो हेलो डबल हेलो। डबल ट्रिपल आवाज आएगी, हेलो 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 हाँ हेलो 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 हेलो। इस जी तरीके से आवाज आएगी या नहीं आएगी? कहने हाँ आएगी का मतलब, जो हमने आवाज डाली अंदर, वही आवाज बाहर आ रही है। वही आवाज अब जो हमने बच्चे वाला एग्जाम्पल इसके साथ मैं जोड़ रहा था, जो हमने पीछे पहले जी एग्जाम्पल लिया कि बच्चे के अंदर भी जी कुछ आवाजें डाल रहे हैं ना, तो हाँ फिर वहीं से विचार पैदा हो रहा है या नहीं पैदा हो रहा? वही से हो रहा। तो मुझे आप ये बताइए कि क्या विचार आपका है? जितने भी नहीं नेगेटिव क्या विचार हैं, चाहे वो सेक्सुअल हैं, या आपको बीमारी लग जाएगी, आपके साथ बुरा हो जाएगा, या किसी के साथ बुरा हो जाएगा, क्या वो नहीं, विचार आपका है? ये विचार मेरा नहीं है। हाँ जैसे एक बच्चा, एक स्टूडेंट, उसका टीचर उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसको जानकारियां दे रहा है कि ये चीज ऐसे होती है, ऐसे काम करती है, साइंस ऐसे ऐसे काम करती है, ठीक है, वो जानकारियों के बेस पे रिएक्ट करता है, और वैसे वैसे उसके थॉट बनते हैं, विचार बन रहे हैं, जी ठीक है, हो रहा है ऐसा सारा कुछ। जी हाँ तो जब एक नेगेटिव विचारों के साथ जुड़ते हो ना आप, कि बीमारी मुझे लग ना जाए, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपने बाहर सुनी होती हैं, जो एक समझ के लिए, आपके दिमाग की समझ के लिए, जब उसके अनुसार काम नहीं है, गलत है, तो वहां पर एक डर पैदा होता है विचार से, क्योंकि आपके दिमाग के पास एक सेफ्टी बिहेवियर, एक सुरक्षात्मक तरीका है बचाव का। अगर वो बचाव का तरीका ना हो, तो हम तो इस बॉडी को बहुत जल्दी खत्म कर ले। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये समझ ना हो कि ऊंचाई से गिरूंगा तो चोट लगेगी और मेरी बॉडी खत्म हो जाएगी, तो क्या वो आपके लिए सही है या गलत? जी वो डर सही है। वो डर सही है ना, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी होना चाहिए। हाँ सही बोल रहा हूं मैं? सही वहां बात है। नॉर्मल लेवल पे ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, जब आपका वो विचार आपकी समझ के साथ टकरा रहा है, विचार आ रहा है आपको, मैं बोल रहा हूं कि आपको ये हो जाएगा, आपकी जो आपके अंदर समझ है कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं होना चाहिए, फिर वहां पे बचते हो, भागते हो आप, दौड़ते हो आप, ऐसा ही हो रहा है? जी हाँ ऐसा ही हो रहा है?
जी आप ऐसा अपने आप को चेक क्यों करते हो, कि मुंह को चेक करना कि कोई अंदर प्रॉब्लम नहीं है, शरीर को चेक करना, चेहरे को चेक करना, वो सारा क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि जी, वो एक सेफ्टी का स्टेप है। सेफ्टी के स्टेप हैं, लेकिन वो अब इतने पैटर्न बन गए, वो पैटर्न का मतलब होता है वो पगडंडी नहीं बन जाती, चल चल के चल चल के हम एक रास्ता हाँ बना हाँ लेते हाँ हैं, ये अब हाँ हाँ पैटर्न है। इसमें आप मुझे ये बताइए कि आपके थॉट के अंदर रियलिटी कितनी है, रियलिटी 0% है, 1 भी% रियलिटी नहीं उसमें है। पॉसिबिलिटी कितनी है? पॉसिबिलिटी भी अभी तो कुछ नहीं है कुछ नहीं है। जी। अब मुझे फिर ये बताइए कि जो आपकी साइको का जो डर है, ये नकली है या असली है? ये डर अभी तो एकदम नकली है नकली है। अब देखो, अब इसका नेक्स्ट लेवल सुनो। नेक्स्ट जी। लेवल इसका पता क्या है? नेक्स्ट क्या लेवल ये है कि आप अपने दिमाग में अपनी धारणाओं के साथ, इन विचारों के साथ जो डर रहे हो, जी आपको कोई इससे रूबरू करवाने वाला नहीं मिला कि ये नकली है या असली है, मुझे होगा या नहीं होगा, समझ रहे हो? हाँ समझ रहा हूँ तभी आप अपनी YouTube पे जा रहे थे, तभी आप Google पर जा रहे थे, तभी आप किसी से पूछ रहे थे कि क्लियर हो जाए, जी मेरे मन को तसल्ली मिल जाए। फिर जी बराबर आपने मेरे पास कॉल किया, एक काउंसलिंग लेने का सोचा कि मुझे यार प्रॉब्लम है और मुझे काउंसलिंग लेनी चाहिए, ठीक है। अब जी यहाँ पर क्या हो रहा है, अब आपको एक सही दिशा और डायरेक्शन देने वाला एक बंदा है जी जो आपका दिमाग आपकी समझ से परे जाकर के डरा रहा है, जिसको हम डिसऑर्डर बोल रहे हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बोल रहे हैं। जी उसके पैटर्न को तोड़ने में मदद मिल रही है कि नहीं मिल रही? जब मैं आपसे बात करता हूँ तो जी हाँ मदद मिल रही। वो कॉन्फिडेंस जो लूज हो जाता है, वो बढ़ता है या नहीं बढ़ता है जब मैं आपसे बात करता हूँ तो? हाँ जब मैं बढ़ता है आपसे बात करता हूँ तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका इमोशन, आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव होती हैं या नहीं होती हैं? होती तो ये पैटर्न टूटने की संभावनाएं कितनी है, ये मुझे बताइए। अब जी। ये पैटर्न मेरा टूटेगा टूटेगा ना, हाँ 100% टूटेगा ये है इसका कारण। जी। अंधेरे में जब दिया जल जाता है तो कितना अच्छा लगता है। तो ओसीडी एक अंधेरे की तरह है कि आप अंधेरे में हाथ पैर मार रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, सबसे पूछ लूं, सबसे एकदम से चेक कर लूं, सब कुछ कर लूं, ऐसे चलता है, मन टिकता हाँ नहीं ऐसे है, रुकता नहीं है। लेकिन चलता है हाँ यहाँ पे आपको एक रोकने वाला, समझाने वाला, अंदर की इमोशन पॉजिटिव फीलिंग चेंज करने वाला जब एक पर्सन मिल जी जाता है, तो आपके अंदर ठहराव आ जाता है, आप रुक जाते हो, ठीक जी है। कि जो कुछ ऐसी गलत फहमियाँ, कुछ ऐसी नेगेटिव जानकारियाँ आपके पास हैं जिनको आप सच मान के जी रहे हो, जी जी रहे थे, ऐसा ही है, ऐसा जी आते हैं सही ही है ना। है अब उनको हम सही कर रहे हैं कि माय डियर, जो आप कर रहे हो ना, जो ऐसा आप सोच रहे हो, उस वो एक अलग है, वो आपका नहीं है। तो जैसे जैसे हम धीरे धीरे बात करते हैं, तो वो फीलिंग्स, इमोशंस, कॉन्फिडेंस जब पॉजिटिव होता है, तब हम किसी भी बड़ी समस्या से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या समझ में आया आज अभी आप? बस यही जो ये जो मेरा विचार है वो पहले तो एकदम एक फैक्ट विचार है, वो रियलिटी नहीं है। और ये जो पॉसिबिलिटी भी मैं नहीं है, संभावना भी नहीं है उसमें, और हाँ सच्चाई भी संभावना नहीं है। और ये जो कहीं से देख रखा है कहीं से भी सुन रखा है वही उसके हिसाब से, क्योंकि मुझे कुछ कोई बंदा मिला नहीं इसलिए मैंने यूट्यूब और उसका सहारा लिया। सहारा लिया और उसमें धंसते चले गए आप, दलदल में। हाँ दलदल में जैसे दलदल में कोई ना मिले तो वो बंदा जितना ऊपर उठने की कोशिश करता है उतना नीचे जाता है, पता है आपको? हाँ सर बस उसी दिन में ऐसा हुआ, सोचा एक बार देख के तसल्ली ले लूँ फिर बंद कर दूँ, लेकिन कभी चलो, तसल्ली ये एक मिली दल नहीं। ओसीडी एक दलदल है, और इसमें जितना ज्यादा आप इसको क्लियर करने की कोशिश करते रहोगे, जितना ज्यादा इसको और मतलब संतुष्ट करने की कोशिश करते रहोगे, तो इसी में आप नीचे जाओगे ना कि ऊपर आओगे। ओ सर मैंने कई बार सोचा कि एक बार ये डॉक्टर को दिखा दो तब जाके तसल्ली मिल जाएगी, लेकिन तब भी मुझे नहीं मिली ये तसल्ली का काम नहीं है, क्योंकि अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं है ना। देखो बार बार जी बच्चे, देखो जब एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं,
जब क्लास जी में जो बच्चे कमजोर होते हैं ना, जी वो जब एग्जाम होता है ना, जिन्होंने पढ़ाई हाँ नहीं करी होती है, ठीक है, वही सबसे जी ज्यादा पूछते हैं, क्योंकि उनको पता होता है हमने किताब तो उठा के देखी नहीं। और वो उस बच्चे के साथ बैठते हैं, बैठने की कोशिश करते हैं जो उनकी क्लास में सबसे होशियार है। होशियार का मतलब मेरा ये है कि जिसने पढ़ा है, उसको कुछ आता है अपनी क्लास में, जो उसके एग्जाम में आना है। तो सबसे जिसको कुछ नहीं आता वही सबसे ज्यादा पूछेगा ना। जी वही पूछेगा जिसको आता है क्या, वो तो अपना आप पेपर करेगा और उठ के चला जाएगा। जी। तो ये है इसका इलाज, कि अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना, और अपनी उस साइकोलॉजिकल लेवल है, जो हमारा इमोशनल फीलिंग्स है, अपना कॉन्फिडेंस है, उसका लेवल अप करना। जी जब आप उस लेवल से काम करते हो ना, तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलते हैं हमें, ठीक है। ठीक है हाँ, तो ये थॉट का प्रोसेस समझ में आया आपके? आओ ओके okay। अब मैं आपको एक और बात इसी से रिलेटेड और शेयर करना चाहता हूँ, कि इनको ना तो आपने अच्छा बोलना है कि ये बहुत आपको अच्छे थॉट्स आ रहे हैं तो अच्छा है, ठीक है। इनको अच्छा और जी बुरे के मापना नहीं है, मतलब उस कैटेगरी में नहीं रखना कि ये अच्छा है और ये बुरा है। अगर मान के जी चलो, अगर आपको अच्छा थॉट भी आता है तो उसका क्या फायदा, और अगर बुरा थॉट आता है तो उसका क्या फायदा है। इन दोनों के आप बताइए, आप मुझे इसका रिजल्ट बताइए। अगर अच्छा आपको, थॉट आप आता है अगर तो ये उससे जी सपोज करो, अगर आपको ये थॉट आता है कि आप इंडिया के पीएम हो, प्रधानमंत्री हो, तो नहीं, मुझे आप ये बताइए कि क्या इसको आप सच मानोगे? क्या ये सच क्योंकि नहीं देखो, जब आप पीएम बन गए तो सेलिब्रेशन तो होना चाहिए ना, क्या जी। हाँ उसको सेलिब्रेट करोगे फिर आप? नहीं, लेकिन इसको अगर नेगेटिव थॉट आया, फिर इसके दुख में क्यों चले जाते हो? उसको अगर सेलिब्रेट नहीं करोगे तो इसके दुख में क्यों चले जाते हो आप? सही है फिर तो आप उसको भी सेलिब्रेट करो। अगर पॉजिटिव थॉट आया, आप उसको मानो कि मुझे थॉट आ गया, अब तो मैं पीएम बन गया। और नेगेटिव थॉट जी आया, अब आपको लगा कि बीमारी लग गई, तो इसको भी कहो कि हाँ लग गई जी बीमारी। आप कहते हो बीमारी लग गई, चेक करते रहते हो। पीएम वाले को भी चेक करो ना फिर, इतना बराबर का। देखो, नेगेटिव पॉजिटिव को दोनों को एक बराबर का हिस्सा देना चाहिए। जी तो दे रहे हो फिर आप? जी तो इस तरीके से हमें अपने इस दिमाग को क्लियर करना होता है, ठीक है। हाँ, तो आज सर, ये मुंह कुछ, मुंह में देखना और ये सब पेट पे चेक करना या कुछ भी, पेट पे क्या होता है, कुछ ऐसी है, कुछ हड्डी हाथ पे आ जाए तो बार बार देखता हूँ कि वो ये हड्डी है ना देखो तो हमारा देखता है शरीर, देखो बना ही हड्डियों का, तो हड्डियां ही आएंगी जी। हैं, पूरा शरीर हड्डियों का ही, तो हड्डियां ही आएंगी। एक एक पैटर्न कैसी बनी है कि मैं अपने पेट पे हाथ घुमा लेता हूँ और सूखने क्योंकि लगता है, सुनो घास तो नहीं है, सुनो, क्योंकि डॉक्टर को भी पता नहीं चलता है ऐसे तो। एक इम्पोर्टेंट बात मैं और शेयर करना चाहता हूँ। आप जो ढूंढोगे वही मिलेगा आपको। जी इस बात को आप मान के चलो। क्या एग्जाम्पल लूँ मैं? एग्जाम्पल ये लेता हूँ कि किसी ने जानवर पाले हुए हैं अपने घर में। जी ये एक लाइव जी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, क्योंकि इन दिनों में ना मेरे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसे किया हुआ है, और जब भी वो बाहर जाते हैं, सड़कों पे निकलते हैं, तो उनको एक ही चीज दिखाई देती है, पता क्या? चारा। ये इतने बड़े बड़े चारा पट्टे बोलते हैं ना, जो चारा हरियाली होती है, जो जी जानवरों को डाला जाता है, तो हाँ, उनको चार वही दिखाई देता है। ओ कितना बड़ा, ये यहाँ से काट के लेके जाएंगे, यहाँ यहाँ से काटने वाले हैं, तो वो वही उनको वही दिखेगा। सही चलो, है जो आप ना। ढूंढना चाहोगे, आपको भाई, अगर आपको हड्डियां ढूंढना चाहोगे तो हड्डी मिलेगी भाई। जी हाँ बाद में कहोगे यार ये तो मुझे प्रॉब्लम लग रही है। आपको जो चाहिए ना, आपको वही मिलेगा। आप जो ढूंढने निकलोगे वही मिलेगा आपको। जी अगर बाहर आपको ये ढूंढना है ना, चोर है कोई, तो आपको सारे चोर ही नजर आएंगे। ये देख लो, आपके माइंड में चोर है ना, तो आपको सारे चोर ही दिखाई देंगे, सारे चोर ही। ऐसे ऐसे माइंड माइंड ऐसे चलता है। तो इस माइंड को थोड़ा सा, एक जो इसकी खुराक है, इसका कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इसकी खुराक है, उसका जब वो लेवल ऊपर उठता है ना, जो हमने
बात करी थी कि एजुकेशन, क्योंकि अब तक जी आपको एक राइट वे दिखाने वाला नहीं था, एक रास्ता दिखाने वाला जब नहीं था, तो आप उस दलदल में धंसते चले जा रहे थे, ठीक है ना। जी तो ये है, थॉट्स को सिर्फ आपने आवाजें मानना है कि उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देना है, वो चाहे अच्छा आए चाहे बुरा आए, और आप अपना काम करते रहिए, थॉट्स को सिर्फ आने दीजिए, आप सिर्फ देखते रहिए, और जो अभी आप चेक करते हो, जो आप कुछ करने की कोशिश करते हो अपने आप में, है ना, उसको एक स्टॉप एक्शन दीजिए, उसको एक ठहराव दीजिए, जी इसको रोकिए आप। ऐसे ऐसे थॉट नहीं आता। अगर मैं अपना मुंह देखूं तो थॉट आता है कि ये तो नहीं है, ये वो तो नहीं है, बाकी ऐसे ऐसे थॉट वही नहीं बात है आता ना, अब आपने क्या बोला, वो तो नहीं जी। है, अगर वो नहीं है तो फिर वही ढूंढने की कोशिश करोगे ना। अगर आपने ये कहा कि मेरे मुंह में छाला तो नहीं है, तो छाला ही ढूंढोगे ना आप। ये देखो आप, तो ये चीजें ऐसे काम कर रही हैं। देखो जो अब जो कंटेमिनेशन वाले हैं, वो गंदगी ढूंढते रहते हैं, अरे वो जो ढूंढोगे आपको वही दिखाई देगा यार। वहां पे अगर एक चीज गंदी है तो 90, अगर मान के चलो उसमें एक चीज गंदी है तो 99% चीजें साफ भी तो हैं, लेकिन वो 1% को 100% में कन्वर्ट कर देते हैं। जी इसमें चेंजेस देखो कैसे है, माइंड ऐसे काम कर रहा है आपका या नहीं कर रहा, जी कर रहा है। कर रहा है ना। तो इसको एक ठहराव की, एक मतलब स्टॉप एक्शन की जरूरत है, आप अपना दीजिए। इसमें एंजाइटी होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि एंजाइटी आपकी हट जाएगी जल्दी से, जल्दी से नहीं हटेगी, एंजाइटी का सामना करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी एंजाइटी से डर जाते हैं, क्यों मुझे तो एंजाइटी होने लग गई। एंजाइटी मीन्स घबराहट, ठीक हाँ हाँ घबरा है, घबराहट से नहीं डरना, वो होगी कोई बात नहीं, होने दो उसको, वो थोड़ी देर होगी और अपने आप हट जाएगी। और सर एक बार की एक क्या होता है कि जब भी मैं कुछ चेकिंग करता हूँ मेरी सांस छोटी हो जाती है। हाँ अच्छा, वो डर की वजह से, वो जब डर की वजह से, तो सांस छोड़ ही लेता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होती इसलिए तो मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबसे ज्यादा करवाता हूँ, क्योंकि जी। उसमें हमें बहुत ही न्यूरो, हमारा जो ब्रेन सिस्टम है, हमारी जो न्यूरो लैंग्वेज है, उसके लिए हमारी ओवरऑल जो साइकोलॉजिकल, जो हमारा सिस्टम है, इमोशनल सिस्टम है, उसके लिए हमारा न्यूरो सिस्टम है, इन दोनों के लिए ये पॉजिटिव है। इसमें ऑक्सीजन ब्रेन में जाना चाहिए, 82 है जो 20% है उस, वो काफ़ी चीज़ें इसमें हेल्प करती हैं, बॉडी के लेवल पे भी और साइकोलॉजिकल लेवल पे भी। तो उसमें आप कोशिश किया करो कि आप अपना ब्रीथिंग जो है वो बड़ा उल्टा कर दिया करो आप। अब आएंगी चीज़ें ट्रैक पे, आएंगी स्टेप बाय स्टेप आएंगी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना मेरे साथ, तो जी जी डेफिनेटली हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ठीक है हाँ, तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा काम करिए, एंग्जाइटी होती है तो होने दीजिए। और सर। तो सर मैं एक काम करूँ 10-15 दिन के लिए मैं स्टॉप एक्शन कर दूँ। नहीं, 10-15 दिन के लिए नहीं, आप मुझे सिर्फ 3 दिन के लिए करो, आप 3 दिन में ही आपको मैं रिजल्ट दे दूंगा, 15 दिन तो बहुत होते हैं, जी 15 दिन तो ज़्यादा बोल दिया आपने, 3 दिन आप इस लेवल पे काम कर लो ना जो मैंने अभी बताया, तो जी आप रिजल्ट देख लेना, 3 दिन में रिजल्ट नहीं आए तो बताना। आपको जब भी एंग्जाइटी होती है ना, आप भागने लगते हो, एक्शन लेने लगता है। हाँ तब आप ज्यादा चेकिंग करते हो। हाँ, तो होता है धीरे धीरे, जी तो इस चीज के ऊपर काम करिए और फिर नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं हम, ठीक है। जी सर। सर ऐसा हो सकता है कि मैं इतना मुंह देखूं और कोई भी ऐसा कोई विचार ना आए विचार आएंगे, देखो जी वो क्योंकि गलत वो अभी वाला पैटर्न बना, वो आएंगे जी। विचार ना आए, उसके विचारों को ये मत कहो कि ना आए और मुझे क्यों आ रहे हैं, कोई इसको मीनिंग नहीं देना आपने, ठीक है। हाँ, ठीक है जी कोशिश करिए इसके ऊपर ये करने की, और अगर नहीं हुआ तो फिर हम कोई नई टेक्निक में आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है।